गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको साइंस के सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चर्चा करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। चूंकि आप पढ़े होंगे मेजर, मिनी और माइक्रो। मेजर मतलब होता है बड़ा, मिनी मीन्स छोटा, और माइक्रो मीन्स होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। इतना छोटा कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इतना छोटा होता ये कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देखते। इसको देखने के लिए हमको एक स्पेशल यंत्र की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम इन चीजों को देखते हैं। अब बात आती है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या क्या है। तो सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। फिर से आप नाम देख लीजिए, बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। अब एक बात, ये मिलते कहाँ हैं? तो ये एनवायरमेंट में हर जगह मिल सकते हैं, लाइक सॉइल, मिट्टी में मिलते हैं, वाटर, मड, सी वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड प्रोडक्ट एंड अनक्लीन यूटेंसिल, जो साफ करता नहीं है उसमें भी ये माइक्रोबियस मिल सकते हैं। ये माइक्रोबियस होते हैं यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे के टॉपिक में करेंगे। अभी हम बात करें, एक वन बाई वन टॉपिक की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आप एक बार जानते होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेलुलर या सिंगल सेल एनिमल भी हम कह सकते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी साइज होती है 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन तक होती है। इसकी साइज देखिए, फिर से समझ लीजिए, इसकी जो साइज होती है 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन्स तक होती है। और इसके जो चार टाइप कंपार्ट है, चार टाइप में होता है। पहला होता है कोकाई, ये प्लूरल नाम है कोकाई, इसका सिंगुलर नाम है कोकस। दूसरा है कोकस, इसकी जो सिप होती है आपको, ये एक रिंग रिंग टाइप की होती है, इसकी सिप इस तरह होती है, आप देखेंगे। उसके बाद होता है बेस, बेसिली, जिसका सिमिलर नाम होता है बेसिलस, और इसका एग्जांपल है साल्मोरो थेल्फेनी, साल्मोने लाफाई टाइफी। तीसरा होता है स्पाइरल, स्पाइरल का सिमिलर नाम है स्पिरिलियम, जिसका एग्जांपल होता है ट्रिपोनेमा, और उसके बाद है कर्व, यानी जो कर्व होता है इसका एग्जांपल है हाइड्रो। इसकी शेप देखेंगे आप तो कुछ बैक्टीरिया इस तरह होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप में होते हैं, बिल्कुल कॉमा शेप में, और कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल टॉर्नर टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें इस तरह लगे होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको देखने के लिए हमें आपसे कहा था कि माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो माइक्रोस्कोप को अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जनरली हम जो देखते हैं पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी जो होता है इस तरह इसके शेप आपको मिलेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आईपीस, ये ऑब्जेक्ट पीस होता है, यहाँ आईपीस होता है, और आईपीस में लेंस लगी होती है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीस के द्वारा हम इस चीजों को देखते हैं। यहाँ स्लाइड रख देते हैं, और यहाँ पर एक मिरर टाइप का होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर रखते हैं और इसको हम चेक करते हैं, ये इसको हम कहते हैं माइक्रो। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम कॉमनली जर्म्स कहते हैं, या साइंस की भाषा में हम उसको पैथोजन कहते हैं, पैथोजन को चेक करने वाले जो लैब होते हैं, इसीलिए
इसलिए उसका नाम है पैथोलॉजी। जो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको हम कहते हैं पैथोजन, चेक करने वाले को कहते हैं पैथोलॉजी, और जो जो इसके स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो अभी हम इसके बाद आपको ये जो बताए कब बताने जाएंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल तो है नहीं, लेकिन साथ साथ कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी है। अब जो हम आपके क्लास में भी फिर अभी बताने जा रहे हैं आपको कि बैक्टीरिया हार्मफुल कैसे होते हैं और यूजफुल कैसे होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं यूजफुल यूज ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया का क्या यूज है? तो सबसे पहला यूज है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन हर्बीवोरस। एक वर्ड है हर्बीवोरस, ऐसे जीव जो प्लांट यूज करते हैं। आप तो पढ़े हैं कि हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर वी जानवर हैं जो घास खाते हैं, प्लांट के यूज करते हैं। तो प्लांट्स जो यूज करते हैं, प्लांट में एक सब्सटेंस होता है सेलुलोज। सेलुलोज का जो पाचन जनरली अगर एनिमल्स करता है, मैन यूज करता है, तो वो रफेज का काम करता है। पचता नहीं हो, रफेज का काम करता है, मानी पेट को साफ करता है। लेकिन प्लांट एनिमल्स में, हर्बीवोर एनिमल में जो है, जैसे काउ हुआ, बफेलो हुआ, गोट हुआ, हॉर्स हुआ, इन सारे जीवों में ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है। दूसरा पॉइंट है कन्वर्ट नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट। हम जानते हैं कि लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, जैसे दलहनी पौधे, मटर के पौधे, चना के ग्राम के पौधे, चना के पौधे, अरहर के पौधे। तो जितने लेगुमिनियस पौधे होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइबोसियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। इनकी जड़ें जो होती है गांठ वाली जैसी होती है, इस गांठ वाली जगह में राइबोसियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और ये नाइट्रेट प्लांट्स की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तीसरी बात सबसे पॉपुलर है मेकिंग कॉर्ड, दही बनाना। दूध से दही कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ी सी दही डालते हैं। जो दही डालते हैं उस रियल में उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, जो दूध में जब डाला जाता है उसको फैक्टराइज कर देता है और कन्वर्ट कर देता है कॉर्ड में। उसके बाद का पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। रियल में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया हम बॉडी से एक मेडिसिन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देने के बाद किसी भी पेशेंट को अगर दिया जाए तो उसके जो भी डिजीज होते हैं वो उसको क्योर कर देता है या पुश करता है, हटा देता है। इसके अलावा अब यूज तो हो गया, इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया में हम बात करेंगे कि ये हमारे फूड को भी बर्बाद करता है। जैसे कुछ भी अगर खा लिया जाए, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाए फूड के माध्यम से, तो कोलरा एक डिजीज है जिसमें कि लैट्रिन वोमिटिंग सब होता है, टाइफाइड भी होता है, और तीसरी होती है टीबी, शॉर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रेबोपोलिसिस, यानी ये सांस की बीमारी है। ये भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरी बात काउजस स्पॉइल्ड जंक फूड, यानी भोजन को भी बर्बाद करता है बैक्टीरिया। अगर रख दें, आप एक चीज देखेंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप अगर घर में खाना रख दें, कुछ समय बाद छोड़ दें, तो वो खाने में एक अजीब स्मेल आ जाएगी। ये स्मेल जो है और फूड खराब हो जाएगा, अनटेस्टी हो जाएगा, ये कारण स्पॉइलेज का है और ये बैक्टीरिया कारण होता है। थैंक यू। नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे फंगी, अल्गी, वायरस, इसके बारे में।